नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, टारगेट रेलवे ग्रुप डी के लिए क्रैश क्रोस चल रहा है 30 डेज का। और दोस्तों, गणित में आज बात करेंगे हम औसत की, एवरेज की। और दोस्तों, ये क्लास संदीप सर की मैं क्लास आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें औसत के लगभग सभी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और दोस्तों, सभी तरह के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से संदीप सर की स्पेशल क्लास में आप देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों औसत या एवरेज के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हेडिंग में एवरेज, जैसे एवरेज आप जानते हैं इसका मतलब होता है औसत। औसत का मतलब, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक कोई ट्यूशन क्लासेस हैं, वहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 5 विद्यार्थी हैं, और उन सबका वजन जो है, वेट अलग अलग है। किसी का 45 है, किसी का 50 है, किसी का 55 है, और हमसे पूछा जाए कि उनका औसत कितना निकालिए, उनके वजन का औसत निकालिए। तो औसत निकालने के लिए गए तो हम क्या करते हैं, जो ये 5 स्टूडेंट होंगे इनके जो वजन है 45-50, इन सबका जोड़ करेंगे। 45 + 50 + 55 जो भी होगा इन पाँचों का, और उसी को हम 5 से डिवाइड कर देंगे गाइस, क्योंकि 5 हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, हमें पर प्रत्येक बच्चे का, 1 स्टूडेंट का एक औसतम वजन मिल जाएगा। तो गाइस, ये होता है औसत निकालने का तरीका। चलिए गाइस, अब मैं आपके लिए इसके कुछ फॉर्मूले और बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ 3 फॉर्मूले लिखे गए हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं होता, बस इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही मेरा इंपॉर्टेंट रहता है, औसत वाला। ये सम ऑफ टर्म्स का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 स्टूडेंट्स हैं, उन सबके वेट को ऐड किया था मैंने। तो गाइस, ये पांचों वेट ऐड करने के लिए सम ऑफ टर्म्स मैंने यहाँ लिखा है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जितने मेरे स्टूडेंट्स थे, कितने थे, 5 थे, तो अपॉन 5, यही मेरा होता है एवरेज गाइस, औसत। ये वेट एवरेज कोई नहीं है गाइस, वो वेट के टर्म्स में लिख दिया एवरेज का, वही है, बस वेटेड टर्म्स ले लिए और नंबर ऑफ टर्म्स ले लिए। अब गाइस, एवरेज स्पीड का भी दे रखा है। सनोज कुमार बोल रहे हैं, हाय सनोज, काफ़ी लेट हो गए, चलिए वीडियो अभी चालू हुई है, वैसे आप भी जुड़ जाइए। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। गाइस, एक चीज़ और होता है, अगर एक व्यक्ति ए से लेकर बी तक, ये दूरी है कोई ए से लेकर बी तक, इसे जाने के एक्स घंटा किलोमीटर पर आवर से जाता है, लेकिन आने के टाइम पे वो वाई किलोमीटर पर आवर से आता है, लेकिन क्या है, हमारी डिस्टेंस वो है वो सेम ही है। तो इस कंडीशन में हमारी जो एवरेज स्पीड होती है गाइस, एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2 जाने की गति और आने की गति अपॉन x + y। तो गाइस, ये एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला जब लगेगा, जब हमें 2 स्पीड दे रखें x और y, लेकिन जो हमारी डिस्टेंस है, दूरी है, वो एक बिल्कुल एक समान है, ए से बी तक और बी से ए तक एक समान दूरी थी। तो गाइस, उसमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, 2xy / x + y। चलिए गाइस, इसमें बस आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें मैंने क्वेश्चन ऐसे लिए हैं कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए गाइस, और इस लिंक को शेयर कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि और लोग भी लाइव जुड़ सकें। चलिए गाइस, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसमें कह रहा है एवरेज एज जो है। हाँ ब्रज मोहन, हिंदी में भी है, बिल्कुल देखिए आपके लिए क्वेश्चन हिंदी में है। द एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज, यानी कि 4 लड़कों की औसतम आयु, और ये देख रहेगा 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल पहले 9 वर्ष थी, ठीक है ना गाइस, यानी 4 लड़कों की वैल्यू 5 वर्ष पहले 9 साल थी। लेकिन ऑन इंक्लूडिंग मतलब जोड़ने के बाद, एक नया लड़का जोड़ने के बाद, जो उनकी प्रेजेंट एवरेज एज, जो अब उनके अब हाल फिलहाल में जो है औसतम आयु उन 5 की 15 ईयर हो गई है। तो गाइस, अब इसने हमसे पूछा है कि प्रेजेंट एज ऑफ न्यू बॉय क्या होगी, जो नया लड़का जुड़ा है उसकी एज पूछी है इसने। अब देखिएगा, जैसे हिंदी में भी देख लेते हैं, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसतम आयु 9 वर्ष, देखिए उसमें एक नए लड़के में शामिल होने से उन 5 की वर्तमान आयु, यानी कि प्रेजेंट आयु औसतम 15 हो गई है। तो उसने पूछा है कि नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी। चलिए गाइस, इसका आंसर मेरे को जल्दी कमेंट करिए।
और गाइस जब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दिए और लाइक कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जुड़ सकें इससे। पंकज ठाकुर ने आंसर दिया 6 ईयर्स। चलिए चलिए गाइस, और कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए गाइस, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। ब्रजमोहन बोल रहे हैं 14। चलिए गाइस और जल्दी कमेंट करिए मेरे को इसके क्वेश्चन। चलिए गाइस जल्दी करिए जल्दी, इतना लेट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन इजी है ये तो, अभी स्टार्टिंग है वीडियो की। चलिए गाइस पंकज ठाकुर प्लीज कमेंट्स गाइस। हाँ पंकज ठाकुर बिल्कुल, अपने फ्रेंड्स से भी कहिए कि वो भी कमेंट करें जल्दी ताकि मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराऊं। चलिए गाइस अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए गाइस एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज यानी कि 4 स्टूडेंट्स की आयु, यानी कि 4 बॉयज़ की औसतम आयु दे रखी है 9। अगर मैं इन चारों बॉयज़ों की पूरी आयु निकाल लूँ तो गाइस मेरे को कितनी मिल जाएगी, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 9 में कर दूँ तो मेरे को इनका टोटल सम मिल जाएगा ये इसका 36 ईयर्स। अब ये क्या हो गया, इन चारों बॉयज़ों की सम हो गया इन चारों बॉयज़ों की एज का 36 ईयर्स। लेकिन गाइस उसने कह रखा है कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले था गाइस, तो 5 साल पहले था यानी कि 5 साल पहले से अगर हम अब तक करेंगे तो 5 × 4 करना पड़ेगा क्योंकि गाइस 4 बॉयज़ थे, 5 4 20, तो गाइस मेरा ये 20 आ गया यानी कि अब जो इनकी प्रेजेंट एज होगी उसमें मैं 36 में 28 करूँगा जब भी, तो मेरे को इनकी प्रेजेंट एज मिलेगी, तो इनकी प्रेजेंट एज मेरे को गाइस मिल गई 56 ईयर्स जो केवल इन चार एज। समझ में आया, तो गाइस देखिए 4 बॉयज़ थे, औसतम आयु 9 दे रखी थी, अगर मुझे इन बॉयज़ों की एज निकालनी है, सम निकालना है, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई 9 में करूंगा जो कि मेरे को मिल गया 36। ये इन चारों बॉयज़ों के एज का सम है। अब मैंने 28 कैसे करा गाइस, देखिए ये 5 साल पहले का बोला है इसने, देखिए गाइस ये दे रखा है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले थी, अब प्रेजेंट में देखिए 5 साल से अब तक बढ़ाएंगे तो एक बच्चे की आयु में 5 साल का बढ़त हो रही है, तो और टोटल कितने मेरे 4 बॉयज, तो 4 बॉयज में कितनी बढ़त होगी, 5 4 20 20 साल की, तो अब इनकी एज आ गई 56 ईयर्स। अब वो क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल द 5 बॉयज, अब उसने 5 बॉयज़ की प्रेजेंट एज बताई है 15। गाइज मेरे पास 4 की तो है, अगर इसमें मैं एक्स मान के अपॉन कितने हो गए मेरे, ये 4 ये थे एक ही हो गया 5, और बराबर रख दूँ 15 के, तो गाइज मेरा ये क्वेश्चन बन गया। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे को मेरे एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो मेरे 5वें स्टूडेंट की एज होगी। गाइज एवरेज का फॉर्मूला आपको बताया था कि एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। देखिए गाइज ऊपर मेरा क्या है, सम, क्योंकि 56 तो 4 की मैंने निकाल ही ली थी, ये रहा 4 की मेरे 56 थी, 5वें की मैंने एक्स मान ली, टोटल मेरे नंबर्स कितने हो गए 4 इसके थे, एक ही हो गया 5, इजिकल टू मेरे को औसतम आयु दे रखी है 5ों की 15 साल, तो मैंने 15 के बराबर रख दिया गाइस। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपका एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा 75 - 56 यानी कि 19 ईयर्स, तो गाइस इसका सही आंसर जो होगा वो 4th वाला होगा। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी था, चलिए आगे आप लिए एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर ये क्वेश्चन किसी समझ में ना आया तो प्लीज़ अभी कमेंट कर दें, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा। देखिए गाइस इसमें कुछ नहीं कर रखा था, हमें 4 बॉयज़ की एवरेज एज दे रखी थी 9 ईयर्स 5 साल पहले, तो 4 बॉयज़ की अब सम देखेंगे तो सम कितना हो जाएगा 4 बॉयज़ का, 4 × 9 4 9 36, ये कितनी थी 5 साल पहले। अगर हमें प्रेजेंट चाहिए तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट को 5 साल बढ़ेंगे, 5 साल से अब तक जोड़ेंगे पिछले 5 साल से अब तक, तो 5 साल एक स्टूडेंट पर बढ़ रहे हैं, तो 4 स्टूडेंट पर कितना हो जाएगा 5 4 20, अगर 20 मैंने इसमें ऐड कर दिया तो ये क्या मिल गई मेरे को, प्रेजेंट एज 4 बॉयज़ की सम। अब मेरे से उसने कहा है कि 5 बॉयज़ का 15 ईयर्स है एवरेज, तो 4 का तो मेरे पास सम था, मैंने 5वें का एक्स मान लिया जो कि मेरे को निकालना भी है इस क्वेश्चन में, उसने पूछा है कि न्यू बॉय की एज अपॉन कितने हो गए 5 4 + 1, 4 तो इसमें थे 56, एक इसका हो गया 5 = 15, तो गाइस सॉल्व करेंगे एक्स 19 ईयर्स, ये आ गया इसका आंसर। चलिए गाइस एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। चलिए गाइस ये रहा एक क्वेश्चन आपका, नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए इसे सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी और मेरे को आंसर
करिए इसका फास्ट। गैस बस इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसमें कह रखा है 10 ईयर्स एगो, इसमें देखिए 10 साल पहले कह रखा है द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू इज 20, पी और क्यू की औसतम आयु 20 है। एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर इज, देखिए गैस एवरेज ऑफ इज लग गया, यानी कि अब प्रेजेंट की बात हो गई, यहीं के अभी जो चल रहा है वर्तमान की इज लग गया, तो गैस ये भी हमें समझना पड़ेगा इज वाज वर ये सब। अमन खरे का आंसर आ गया 14 ईयर्स, चलिए अमन खरे भी चेक करते हैं। देखिए इस आगे तो प्रेजेंट इज 30 साल दे रखी है ना, अब उसने पूछा है आफ्टर 10 साल द एज ऑफ आर विल बी, आर की एज पूछी है 10 साल बाद। चलिए गाइस पहले तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसमें क्या करना पड़ेगा 10 जोड़ना पड़ेगा तब हमारे पास ऐड आएगी। अमन करे 40 बोल रहे हैं, सनोज कुमार 40। चलिए गाइस आंसर करिए जल्दी फास्ट, आप अगर चाहो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। नहीं भाई अमन करे लेट काम हुए, हम तो टाइम से आए हैं बिल्कुल। चलिए गाइस करिए अगर आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं इसके लिए, और जब तक वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए गाइस मेरे पास कमेंट काफी स्लो आ रहे हैं, और फास्ट कमेंट करिए। चलिए गाइस अब मैं ही बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका, मेरे पास कमेंट आए हैं लेकिन काफी कम कमेंट आ रहे हैं गाइस, आपने वीडियो को मुझे लगता है शेयर नहीं करा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब देखिए गाइस एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वर्स 20, पी और क्यू की औसतम आयु 20 वर्ष। तो गाइस अगर मैं पी और क्यू का सम निकालूंगा तो मैं 20 में 2 का तो मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो औसतम आयु दे रखी है, अगर मेरे को पी और क्यू का सम निकालना है तो ये मेरे पास कितना हो गया 40, ये कितनी थी 10 साल पहले गाइस। अगर मेरे को अब की निकालनी है, ये तो 10 साल पहले थी, अब पी और क्यू की अब प्रेजेंट की निकालनी है मेरे को, मतलब वर्तमान की, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 40 तो है ही है प्लस 10 साल, यानी कि एक की एज पे 2 हैं, एक की एज पे 10 साल का अंतर आ रहा है, 2 की पे कितना आएगा गाइस 20 का, तो यानी 20 में इसमें ऐड कर दूंगा तो इन दोनों की सम जो हो गया एज का पी और क्यू का 60 साल। अब वो क्या कह रहा है एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर इज 30 साल, तो गाइस देखिए पी और क्यू की तो मेरे पास है 60, अब देखिए ना एवरेज का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एवरेज क्या होता था सम अपॉन नंबर, तो वो ऊपर सम, तो सम देखिए पी और क्यू का तो मेरे पास 60 है और आर का मेरे पे है नहीं है, तो मैं आर ही लिख देता हूँ, डिवाइड बाय कितना हो गया 2, ये थे पी और क्यू, आर कितना हो गया तो टोटल नंबर हो गया 2 + 1 = 3, एवरेज कितना दे रखा है भाई मेरे पास 30। चलिए गाइस यहाँ से आर की वैल्यू क्लियरली निकल जाएगी, आप लोग जानते हैं 90 - 60 हो जाएगा, ये आ जाएगा 30, लेकिन उसने क्या पूछा है आफ्टर 10 साल, यानी कि 10 वर्ष बाद आर की आयु, तो ये गाइस ये तो हमारी अब की थी, अगर हम इसमें 10 साल और ऐड कर देंगे कितना 30 + 10, तो गाइस क्या आ गया हमारा 40 ईयर्स, तो ये आ गई इसकी आयु 10 साल बाद, 40 ईयर्स इज द राइट आंसर। चलिए गाइस एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने नया, चलिए गाइस आपके स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आ चुका है, देखिए इसमें कह रखा है द एवरेज वैल्यू ऑफ द नंबर्स, ये कुछ नंबर दे रखे हैं गाइस, इसने कह रखा है इन सब की जो एवरेज वैल्यू है शुड बी, मतलब होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 43 के बराबर या बड़ी, या फिर लेस देन और इक्वल टू 44, या तो 44 से छोटी या बराबर, यानी कि 43 से बड़ी हो या बराबर हो और 44 से कम हो या बराबर हो, तो उसने पूछा है कि वैक्स की वैल्यू क्या होगी। गाइस समझ में आ गया, संख्या देखिए ये दे रखी है हमें, उसका औसत दे रखा है 43 से अधिक या उसके बराबर और 44 से कम या उसके बराबर होना चाहिए, और x का मान उसने पूछा है। चलिए गाइस अब x का मान मुझे बताइए कितना हो सकता है x का मान, गाइस कमेंट करिए जल्दी इसको, आप इसको मैक्सिमम से 40 से 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए गाइस इस क्वेश्चन में। चलिए गाइस कमेंट करिए जल्दी जल्दी, क्या हुआ गाइस कहाँ चले गए सब लोग, कमेंट फास्ट। नवीन नाना बोल रहे हैं 4, यानी कि 43 से 50 की रेंज में बता रहे हैं नवीन नाना। चलिए गाइस
चलिए गाइस, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आपको। देखिए गाइस, इन सब संख्याओं का जो सम है, कितनी संख्या है पहले तो गाइस, ये बी आ रहा है अमन खरे का 43 से 50। चलिए गाइस अभी चेक कर लेते हैं कितना आंसर आता है। देखिए गाइस, ये हमें टोटल संख्या दे रखी है, ये कितनी संख्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल हमें 9 संख्या दे रखी है। हाँ अभी शर्मा, हेलो सर, हेलो अभी, चलिए क्वेश्चन करिए। ये 9 संख्या दे रखी है, अभी शर्मा बोल रहे हैं सी। चलिए अभी शर्मा भी चेक करते हैं आपका आंसर सही है नहीं। देखिए गाइस, अगर मैं इन सबका सम कर लूँ डिवाइड बाय, देखिए इन सबका सम कितना हो जाएगा गाइस। देखिए सम करने का तरीका गाइस मैं बता देता हूँ, इसका 10 मानिए, इसको 20 मानिए, इसको 30, इसको 30, इसको 40, इसको 50, इसको 60, इसको 70। इस तरीके से पहले सम करेंगे, फिर लास्ट में इनका सेकंड डेट का सम करेंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे। ये तरीका होता है फास्ट तरीका गाइस। तो गाइस मैं इसे बता दूं। हाँ नवीन नाना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। चलिए अब देखते हैं इसका सम कितना होगा। देखिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ, देखिए करने का तरीका ये होता है 10 और 20 30 60 30 90 40 130 और 50 180 60 240 70। कितना हो गया गाइस 310। अब देखिए गाइस सेकंड डेट 5 1 6 8 8 5 13, ठीक है 13 6 19 और 9 28 5 33 34 35 35। तो गैस देखिए इसे 5 4 3 3 4 5 इसकी वैल्यू आ गई। गैस देखिए मैंने क्या करा, 3 4 5 प्लस x, यही मेरा एवरेज का फॉर्मूला होता है, वही मैंने लगा दिया, कुछ नहीं करा गैस। उसने क्या करा है, एक तो वैल्यू मेरी 43 या उससे अधिक, तो गैस एक बार मैंने 43 रख दिया इसके इक्वल। एक बार क्या करा, 3 45 प्लस x अपॉन 9 इज इक्वल टू 44। गैस मैंने ये दो इक्वेशन निकाल ली, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से मेरे को दोनों में x1 और x2 की वैल्यू मिल जाएगी, वही मेरी रेंज होगी कि x की वैल्यू इससे इस बीच में। देख गए अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे को x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए 9 3 27 9 4 36 38। एक तो गए आगे मेरे पास 387, तो अगर मैं 387 में से 345 को माइनस कर दूँ तो गैस मेरे पास आया कितना 2 और 4। एक तो x1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 42। अब गैस सिंपली मैं यहाँ से x2 की वैल्यू निकालूंगा उसी तरीके से, तो गैस मेरा वही हो जाएगा 396 माइनस 345, ये हो गया 1, ये हो गया 5, यानी कि x2 की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 51। तो गैस जो मेरी वैल्यू लाई करेगी 42 से लेकर 51 तक, तो गैस इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाला होगा। देखिए गैस कुछ नहीं करा मैंने, एक बार तो 43 रख दिया इज इक्वल टू एवरेज, उसने कहा है ना 43 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, तो बड़े में तो गाइस इससे छोटे में इसमें आ जाएंगे, इससे छोटे में आ जाएंगे, इससे बड़े में आ जाएंगे, तो गाइस क्या होगा मेरी रेंज होगी 42 से 51 तक। देखिए गाइस कुछ नहीं करा, एवरेज वाला ही फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ नया काम नहीं करा है, एवरेज वाला ही फॉर्मूला लगाया देखिए दोनों कंडीशंस में। तो गाइस आप भी एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसके अलावा कुछ बाहर नहीं जाएगा इसमें से। चलिए गाइस एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। चलिए गैस ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे भी करिए जल्दी कमेंट करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है गैस, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जहाँ तक मेरे ख्याल से 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखिए गैस जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन, यानी कि यहाँ 5 पर्सन का एवरेज वेट दे रखा है 38 kg, जो कि बोट में है। द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन, बस गैस इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे 5% का दे रखा है, तो अगर मैं इनका सम निकालूंगा 5% का, तो 38 × 5 कर दूंगा, जाहिर सी बात है वो मेरे को 5% का सम निकल जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, वोट का और उन 5 पर्सनों का वेट, यानी कि टोटल कितने हो गए 6, एक तो वोट हो गई, 5% है 6, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 52 को, तो गैस मेरा टोटल सम आ जाएगा वोट का और 5% का। अब 5% का वेट मेरे को यहाँ से मिल जाएगा सम, अगर मैं जो यहाँ आएगा टोटल 6 का उसमें से माइनस कर दूँ। हाँ अमन करे ने आंसर भी कर दिया 122। चलिए अमन करे चेक करेंगे अभी आंसर आपका, तो इसे इसमें से माइनस कर दूँ तो गाइस मेरे को आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको, अमन करे ए होगा, ए क्यों होगा अमन करे, ए तो 228 है। चलिए गाइस अभी देखते हैं, चेक करिएगा 5% का वेट दे रखा है, तो मैं 5% का जो है सम निकालूंगा, 5 का सम, तो गाइस मैं कुछ नहीं करूंगा 38 × 5 करूंगा, तो गाइस मेरे को मिल जाएगा वही मिल गया 190। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट में क्या कर रखा है, बोट और उसका पर्सन सिटिंग, तो 5 तो पर्सन थे ही,
एक बोर्ड हो गई, अगर मैं टोटल सिक्स मान लूँ, सिक्स का सम कितना दे रखा है गाइस मेरे को, 52 इंटू सिक्स, क्यों गए सिक्स थे, छः दूनी बारह, एक थे 30 31, ठीक है गाइस, ये मेरे को 312 मिल गया। अगर अब मैं 312 में से 190 को माइनस कर दूँ, क्योंकि देखिए गाइस 5% यहाँ थे, 5% यहाँ है, यहाँ एक वोट अलग से, अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा तो मेरे को डायरेक्टली वोट का वेट मिल जाएगा। तो देखिए गाइस वोट का वेट कितना हो जाएगा, 122, यही मेरा वोट का वेट हो गया। इसमें देखिए कुछ टाइम नहीं लगा इसमें गाइस, बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत आसान भी था ये, एवरेज वाले फॉर्मूले से निकलता सब, एवरेज बस एवरेज का सम और एवरेज, ये दो ही आगे पीछे घूमते रहते हैं एवरेज में। तो गाइस इसका देखा आपने 122 आंसर हो गया। चलिए गाइस आपके एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, हाँ बिल्कुल नवीन आना, इतने इजी नहीं आएंगे, लेकिन वो बीच में एक दो क्वेश्चन पीडीएफ में पड़ा हुआ, तो गाइस मुझे तो सॉल्व कराना है वो। चलिए गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए, ये तो सही है नवीन नाना, चलिए इसे करिए, ये क्वेश्चन सही है, इस तरीके से ही आते हैं क्वेश्चन आपको। चलिए गाइस जल्दी करिए और इसे कमेंट करिए। 16, चलिए प्रमोद सोनी का आंसर आने लग गया 16। चलिए और भी लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी से। चलिए गाइस जल्दी कमेंट करिए। 16 अमन खरे 16 बोल रहे हैं। चलिए अब गाइस इस क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूँ। उसने कह रखा है आउट ऑफ द फोर नंबर्स, तो जो एवरेज है पहले तीन का वो है 15 और लास्ट तीन का है 16, ब्रजमोहन भी 16 बोल रहे हैं। चलिए तो उसने पूछा है अगर हमें लास्ट नंबर 19 है तो पहला नंबर क्या हुआ। गाइस चलिए मैं आपको समझा देता हूँ पहले से किस तरीके से करना है। चलिए गाइस देखिए, चलिए गाइस अब मैं इसे बताता हूँ किस तरीके से करना है। देखिए गाइस फर्स्ट थ्री का एवरेज दे रखा है मैंने, फर्स्ट थ्री क्या मान लिया एक्स वाई जेड, ये आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, इनका एवरेज दे रखा है। तो गाइस अगर मैं इनका सम निकालूंगा तो मेरे को 15 में 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सम कितना हो गया 45। अब वहीं मेरे को लास्ट थ्री डेट, तो लास्ट थ्री डेट में गाइस वाई जेड तो आएंगे, वाई प्लस जेड प्लस एक ए मान लेते हैं जो थर्ड लास्ट डेट है ए, उनका एवरेज दे रखा है मैं 16। अगर मेरे को इनका सम निकालना है तो 16 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 16 इंटू 3 कितना होगा 48। अब देखिए गाइस अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ये माइनस माइनस सब ले लूँगा, तो ये वाई से वाई जेड से जेड कट गए मेरे को, तो ये कितना बचेगा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू कितना बचेगा माइनस का 3। ठीक है गाइस अब देखिए मेरे को उसने क्या दे रखा है, इज द लास्ट वैल्यू, लास्ट नंबर दे रखा है 19, यानी कि ए की वैल्यू उसने मेरे को 19 दे रखी है। तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया, अब ये माइनस का 19 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई 16। तो गाइस इसका आंसर था 16। चलिए गाइस बिल्कुल काफ़ी लोगों ने इसका सही जवाब दिया। चलिए गाइस कुछ और नए क्वेश्चंस लेते हैं, काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन सही था, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बिल्कुल गाइस। गाइस ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, चलिए इसे भी सॉल्व करिए। इस तरीके के क्वेश्चन गाइस आपको मिलेंगे, जिस तरीके का ये क्वेश्चन है आपको इस तरीके से मिलेंगे, जो थोड़े लेंथी होंगे लेकिन इनका सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा। सॉल्यूशन तो गाइस मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा मुझे भी लेंथी करना पड़ रहा है, नहीं तो इसके क्वेश्चन से आपको लैंग्वेज तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली बस इनका सम निकाल के उसी से आगे पीछे करके प्लस माइनस करके ही हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। प्रमोद सोनी बोल रहे हैं 24 ईयर्स, चलिए प्रमोद सोनी आपका आंसर चेक करेंगे 24 ईयर्स सही है नहीं। चलिए गाइस देखिए इसमें कुछ नहीं कह रखा है, इन अ फैमिली बिट्टू कुमार बोल रहे हैं ए 30 ईयर्स, यानी कि चलिए गाइस अब मैं क्वेश्चन एक बार, नवीन नाना 24 ईयर्स बोल रहे हैं, गाइस कुछ नहीं कह रखा, देखिए इसमें कह रखा है इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, यानी कि 5 सदस्यों की कोई फैमिली है, उसमें क्या दे रखा है द एवरेज एज ऑफ प्रेजेंट, यानी कि उन पाँचों की प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की जो है 33, एवरेज 33 है। तो गाइस इनका सम निकालेंगे तो क्या करेंगे 33 में 5 का गुणा करेंगे,
तपस दास बोल रहे हैं 24। चलिए तपस दास अभी आप चेक करिएगा आंसर क्या। अब उन्होंने क्या कहा है, लकी राय बोल रहे हैं 24। द यंगेस्ट मेंबर इज 9, जो सबसे छोटा मेंबर है फैमिली का गाइस, उसकी 9 साल उम्र है, 9 साल का है जो सबसे छोटा मेंबर। प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की। तो गाइस उसने बोला है एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंग मेंबर, यानी कि अगर हम 9 साल पीछे लौटें तो गाइस हमें उसका बर्थ जब ही हुआ 9 साल पहले, अगर 9 साल पहले की बात करें तो, जबकि उसने हमसे क्या पूछा है, एवरेज एज पूछी है 9 साल पहले की, यानी कि क्योंकि 9 साल पहले ये मेंबर तो होगा नहीं, इसका बर्थ हुआ है 9 साल पहले तो जस्ट, तो उससे पहले तो इसका बर्थ होगा नहीं। तो गाइस अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था 5 मेंबर्स की फैमिली, उनकी एज है 33 साल, तो सम क्या होगा उनका, 5 होगा सम ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स का सम कितना होगा गाइस, 33 इंटू 5 कर दूंगा मैं गाइस, देखिए मुझे समझाना पड़ रहा है, इसलिए 5 15 यानी 165 गाइस, अगर फास्ट चलूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलिए आपका 24 आंसर आया था, मैं आपको चेक करा था इसका आंसर क्या आएगा, 33 इन 5 कितना हो गया 165। उसने क्या कहा 9, यानी कि हमें 9 साल पहले निकालना है, जो यंगेस्ट मेंबर्स की 9 थी तो 9 साल पहले निकालेंगे, तो क्या होगा देखिए गाइस, अब हमें इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 9 साल पहले जाएंगे तो एक की एज में से हमें कितना पड़ेगा, एक मेंबर की एज में से हमें 9 साल माइनस करना है, टोटल हमारे पास कितने 5 मेंबर, तो गाइस 5 इज इक्वल टू, यानी कि हमें इसमें से कितना पड़ जाएगा 9 5 45 माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा सम आएगा 4 मेंबर्स का 9 साल पहले, जो 9 साल एगो कितना आएगा गाइस, इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 120। देखिए गाइस अब यहाँ आपने देखा सम ऑफ 4 मेंबर्स का 120 आ रहा है सम, अब वहीं इसने क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, तो गाइस एवरेज हमारे कितने थे, 4 मेंबर्स थे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा गाइस 30 ईयर्स। तो गाइस जितने भी आप बोल रहे थे 24, इसका 24 नहीं आंसर, इसका 30 ईयर्स आएगा, देखिए आप एक बार चेक कर लीजिए गाइस, ये तो मैंने आपको लैंग्वेज लिखी है तो मुझे भी टाइम लग रहा है, नहीं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुश्किल से मुझे 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। पहले मैंने सम निकाल लिया 5 मेंबर्स का तो 165 आ गया, अब 9 साल पहले जाना है तो गाइस मेरे को 9 5 45 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ये तो सम है सबका, तो 5 मेंबर्स कटा दिया तो मेरे पास बचा 120। अभी शर्मा देखिए वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में देखिए ना 5 मेंबर्स का, हाँ बिट्टू आपका सही था 30 था बिल्कुल, देखिए 5 मेंबर्स का सम दे रखा है अमन, देखिए 5 मेंबर्स का सम दे रखा है 33 एवरेज दे रखा है, अगर मैंने उसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया सम आ गया 5 मेंबर्स का, 5 मेंबर्स का सम आ गया 165 ईयर, ठीक है ना। अब उसने क्या 9 साल पहले, अगर यंग वन की 9 साल है तो 9 साल पहले कुछ नहीं होगी उसकी, तो गाइस अब 5 मेंबर्स में से मेरे को यानी कि एक मेंबर्स की 9 घटाने पड़ रहे हैं, तो 5 मेंबर्स के कितने घटाने पड़ेंगे 45, क्योंकि 9 साल पहले जाऊंगा जब उसका बर्थ हुआ था, उससे पहले तो नहीं था, तो उससे पहले 4 मेंबर्स थे तो 9 5 45 गाइस, अब देखिए मैं 45 को इसमें से माइनस करूंगा तो 120, यानी कि 9 वर्ष पहले जो 4 मेंबर्स थे उनकी एज का सम था 120, और 120 में कितने मेंबर्स थे 4, अगर गाइस इसे मैं 120 सम था उसे 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 30 ईयर्स, तो जो 9 साल पहले थी उन मेंबर्स की एज, तो गाइस थोड़ा चला गया था क्या अमन करे कुछ समझ में नहीं आ पाया, थोड़ा चला गया था। चलिए गाइस ये देखिए 30 ईयर्स इसका हो गया बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए गाइस ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, चलिए इसे करिए, इसके ऑप्शंस भी नहीं आ पा रहे डिस्प्ले पे। चलिए गाइस इसका एक ऑप्शन और है नीचे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए गाइस ये है 37 होल 1/2। चलिए मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ 37 होल 1/2, ये इसका फोर्थ ऑप्शन है गाइस, जो नीचे हाइड हो रहा है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, इतने बीच में सॉल्यूशन कराना पड़ेगा गाइस, सॉल्यूशन के लिए काफ़ी कम जगह है इसमें क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन सही है। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को कमेंट करिए जल्दी, गाइस मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट करूँगा इसलिए आप लोग देखते रहिएगा थोड़ा सा, इसमें एक दो एलसीएम वेलसीएम की ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे एलसीएम निकाला जाता है जल्दी से जल्दी। चलिए गाइस जल्दी करिए, अमन खरे का आंसर आ गया बी बिल्कुल अमन खरे, चलिए आपका आंसर चेक करेंगे।
अमन खरे बोल रहे हैं 33 ओवर 1/3। बिल्कुल अमन खरे, देखते हैं आपका आंसर सही है। प्रमोद सोनी भी बोल रहे हैं 33 ओवर 1/3। हाँ राहुल भारतीय बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राहुल भारतीय। तपस दास भी बोल रहे हैं 2। चलिए गाइस आंसर आ रहे हैं काफ़ी हद तक मेरे पास। चलिए गाइस अब मैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता देता हूँ आपको। गाइस देखिए, उसने कह रहा है 1/3 और वो सर्टेन एक कोई जर्नी है, टोटल हमने एक्स मान लिया, चलिए एक्स मान लेते हैं टोटल जर्नी को। 1/3 जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना गाइस, और 1/4 एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1/3 उसने करी 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और 1/4 करी 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब जो बची कुची थी वो उसने करी 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो उसने क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछी है। सही है भी, हाँ बिल्कुल, अभी चेक करते हैं आपका सही है भी। तो गाइज एवरेज गति पूछने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो इसने ये दूरी करी है वो किस कितनी करी है। तो गाइज एक तिहाई यहाँ करी थी, 1/4 यहाँ करी थी, अगर मैं से एक में से एक तिहाई और 1/4 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास निकल जाएगा गाइज ये कितना आ जाएगा, 5/12, यानी कि इतनी दूरी जो है उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से करी है गाइज, ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। अब हमारे पास तीनों की दूरी हो गई, इस दूरी से हमें क्या निकाल सकते हैं गाइस, समय निकाल सकते हैं, टाइम। टाइम मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकाल लेता है, टाइम का फॉर्मूला गाइस सबको पता होगा, समय टोटल दूरी कवर करिए और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है गाइस, देखिए मेरे पास एक्स, इसे मैंने एक्स माना था टोटल, तो ये इसे मैं लिख सकता हूँ 1/3 अपॉन कितने से चली थे, 25 से गाइज, एक्स अपॉन 4 कितने से चला था, 30 से, और देखिए गाइज यहाँ है 5/12 एक्स कितने से चलाए गए, 50 से। गाइज अब आपको इस चीज़ को मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो मुझे भी जगह नहीं बचेगी, चलिए मैं बता देता हूँ। इसे आप कितने लिख सकते हैं, 1/75 एक्स अपॉन 120, और इसे भी आप देखिए सॉल्व करेंगे 10/120 एक्स अपॉन 120। अब देखिए गाइज इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँगा तो ये 2xy 120 हो जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो 2xy 120 हो जाएगा। तो गाइज 120 और यहाँ 2 हो गया, अगर इन दोनों को ऐड करूँगा, इसे मैं एलिमिनेट करता हूँ, यहाँ 2 लगा देता हूँ, 2 से 120 60, तो गाइज मेरे पास कितना बचेगा, एक्स अपॉन 75। देखिए गाइज जगह नहीं बची है, मैं यहाँ करा देता हूँ, एक्स अपॉन 75 प्लस एक्स अपॉन 60 हो गया ये गाइज, क्योंकि अगर एक्स प्लस एक्स आप करते हैं, एक्स प्लस एक्स करते हैं तो गाइज वो होता है क्या, 2x, तो यहाँ पर मैंने एक्स अपॉन 120 प्लस एक्स अपॉन 120 ऐड करा था, 2x हो गया, तो 2 से 120 काट दिया 60। अब गाइज इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ इसकी, ये आ जाएगा आपका 3x अपॉन 100 इसे सॉल्व करके। गाइज ये क्या आ गया मेरे पास, टाइम। अब क्या निकालना है, उसने पूछा है हमसे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड गाइज चलिए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, इतना मेरे को यहाँ तक आ ही गया है, टाइम कैंसिल। अब एवरेज स्पीड क्या निकालनी है, देखिए गाइस एवरेज स्पीड आपको पता ही है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। देखिए गाइस समय हमने निकाला था, कितना निकाला था, 3x, कुल दूरी मैंने क्या मानी थी, x मानी थी ना गाइस, तो x अपॉन 3x अपॉन 100। देखिए गाइस 100 ऊपर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 100/3। चलिए गाइज ये आ गया 33 ओवर 1/3, बिल्कुल सही, जितने बच्चों ने 2 आंसर करा था बिल्कुल सही करा था, इसका आंसर बी होगा, बिल्कुल प्रमोद स्पीड से चलेंगे। चलिए गाइज अब अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए गाइज, चलिए ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन आ गया, चलिए इसे सॉल्व करिए जल्दी और मेरे को कमेंट करिए। द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, एवरेज दे रखा है 2 नंबर्स का, बिल्कुल अभी शर्मा आपका भी आंसर काफ़ी हद तक सही, बिल्कुल सही था, आपने बहुत जल्दी कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप बहुत इसी तरीके से कमेंट करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, बस यही हमारी आपसे दुआ है। चलिए और लाइक जरूर कर दिएगा अभी शर्मा वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो। चलिए गाइस ये दे रखा है एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 62, यानी 62। उसने कहा इफ 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर, अगर उसने 2 एक छोटे नंबर में ऐड कर दिया तो रेशियो क्या हो गया, नंबर्स का बिकम 1:2। तो उसने हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है नंबर्स का गाइस, यानी कि जो 2 नंबर्स हैं उनका अंतर।
गाइस मेरे पे आंसर्स आने चालू हो गए हैं। इसका प्रमोद सोनी बोल रहे हैं 24। चलिए गाइस जल्दी करिए इसे, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। और गाइस जब तक इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको आगे से नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए करें। 84 काफ़ी आंसर आ रहे हैं मेरे पास, 84 भी आया है। चलिए गाइस और जल्दी जल्दी करिए इसे। चलिए गाइस मैं बता देता हूँ उसने क्या कह रखा है, एवरेज ऑफ टू नंबर्स। अमन खरे सी बोल रहे हैं 84, एवरेज ऑफ टू नंबर्स। गाइस चलिए मैंने दो नंबर्स मान लिए, एक्स और वाई। गाइस देखिए एक एवरेज है मेरा 62, तो यानी कि एक्स प्लस वाई को मैं कितना लिख सकता हूँ गाइस, 124 लिख सकता हूँ। सम एवरेज दे रखा है ना मेरे पास, 62 है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सम आ गया। तो यानी कि एक नंबर अगर मैं एक्स मान लूँ और एक नंबर में 124 माइनस एक्स मान लूँ तो क्या दिक्कत है गाइस, इसे मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मेरा एक्स हो गया, एक मेरा 124 माइनस एक्स हो गया। अब उसने क्या कह रखा है, इफ़ 2 इज एडिड टू द स्मॉलर नंबर द रेशियो बिटवीन द नंबर्स बिकम 1:2। गाइस उसने कह रखा है स्मॉलर नंबर में अगर वो 2 ऐड करता है द रेशियो बिटवीन द नंबर्स बिकम 1:2। चलिए गाइस एक्स मान लिया हमने स्मॉलर, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, नीचे हमने 124 माइनस एक्स ही रह दिया और रेशो हमें कितना दे दिया, 1:2। चलिए गाइस देखिए यहाँ इक्वेशन बन गई है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है इसे सॉल्व करने में, हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए गाइस इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 124 माइनस एक्स, एक्स इधर एक प्लस में 3x इज इक्वल टू 120, एक्स इज इक्वल टू 40। तो गाइस देखिए एक्स इज इक्वल टू 40 आ गया मेरे पास, क्या आ गया ये x, x क्या था मेरा छोटा वाला नंबर। अब मेरे को बड़ा वाला नंबर निकालना है तो 124 में से x घटा दूंगा तो मेरा जो है बड़ा वाला नंबर, लार्जर नंबर जो है वो आ गया मेरा इतना 84। अब गाइस इसने क्या पूछा था, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, जो मेरा फर्स्ट नंबर 40 है सेकंड 84 है, इन दोनों का डिफरेंस गाइस देखिए इन दोनों का डिफरेंस होगा 44। 84 में से 40 गए 44, तो गाइस 44 इज द राइट आंसर। अमन करे आप 84 बोल रहे थे, देखिए यहाँ तो 44 आ गया आंसर। तपस दास बिल्कुल सही, 44 आ रहा है आंसर। देखिए समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ, बड़ा नंबर, हाँ ये नंबर आपके निशान सही आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ नहीं था, मैंने 24 उसका सम निकाल लिया, फर्स्ट नंबर को x मान लिया, सेकंड नंबर को, हाँ कोई नहीं, अभी गलत हो जाते हैं, बस यही चीज़ है कि आप क्वेश्चन को अभी इजी ना लें, अपना सॉल्व करें बस आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती, अपना बस माइंड फ्रेश रखें अपना और आसानी से क्वेश्चन को करें। देखिए बस एक बार फिर बता देते हैं, एक नंबर मान लिया x, एक को मान लिया 124 माइनस x, 124 आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको एवरेज दे रखा है, तो सम निकाल लेंगे तो आप 62 इंटू 2 कर देंगे तो 124। तो गाइस कुछ नहीं करा मैंने, उसने जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा मैंने बस केवल वही करा। देखिए उसने कहा क्वेश्चन में स्मॉलर नंबर में 2 ऐड करा और स्मॉलर और लार्जर के बीच का उसने रेशियो दे रखा 1:2। कुछ नहीं है गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स को मैंने स्मॉलर नंबर माना था जो कि मेरी 40 आ गई, तो 124 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा, देखिए गाइस मेरा सेकंड नंबर यही तो था 124 माइनस एक्स, तो 124 में मैंने 40 घटाया तो 84 आ गया। उसने क्या पूछा है मेरे से, द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, तो डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, तो गाइस मेरे नंबर 40 84 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 44, तो 44 इज द राइट आंसर। चलिए गाइस एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर गाइस आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें गाइस। चलिए गाइस एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये तो गाइस मेरे ख्याल से 20 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। चलिए गाइज इसको कमेंट करिए, तो गाइज मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो। इसमें कह रखा है गाइज एवरेज मार्क्स ऑफ सोनी का आंसर आ गया 3, चलिए अभी का आ गया डी 60। चलिए इसमें देखिए एवरेज दे रखा है 10 स्टूडेंट का 60, अमन खरे बोल रहे हैं 68, अमन खरे इसमें 68 तो ऑप्शन ही नहीं है, अमन खरे 60, अच्छा 60 बोल रहे हैं, चलिए 60। देखिए इसमें कुछ नहीं कह रखा है, एवरेज मार्क्स दे रखे हैं, बिट्टू कुमार बोल रहे हैं 60 ही होगा सर, बिल्कुल देखते हैं अभी, एवरेज दे रखा है 10 स्टूडेंट्स का, अमन खरे डी
दस स्टूडेंट का एवरेज दे रखा 60 है। मार्क्स ऑफ द टू स्टूडेंट्स वर ऑल्टर्ड, मतलब चेंज कर हो गए हैं दो स्टूडेंट के, जिसका 50 इंस्टेड ऑफ 40 एंड 30 इंस्टेड ऑफ 40। जैसे देखिए अब आपको हिंदी में पढ़वा दे, 10 छात्रों को औसत दे रखा 60, उनमें दो छात्रों के अंक के क्रमांश 40 की बजाय 50 ले लिया है गाइज, 40 की बजाय 50 ले लिया है, ठीक है ना गाइज, और 40 की बजाय 30 ले लिया है, एक जगह 40 की बजाय 30 ले लिया है। तो गाइज देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमें लेना था वजन वो भी 80 था और जो हमने लिया है वो भी 80 है। तो गाइज हमारा एवरेज में चेंज क्यों आएगा, जब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम 80-80 मिल रहा है तो एवरेज में चेंज आ रहा ही नहीं है, क्योंकि सम तो हम तो कुछ भी आगे पीछे कर ले, अगर सम हमारा सेम है तो बिल्कुल एवरेज सेम होगा। तो गाइज एवरेज इसका 60 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं था, देखा आपने, इसमें हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ा कुछ भी, क्योंकि इसमें 40 फर्स्ट में 40 जगह 50 ले रखा है, सेकंड में 40 जगह 30 ले रखा है, लेकिन जो हमारा सम है दोनों का वो 80-80 आ रहा है। तो गाइज सेम आ रहा है तो सेम में हम कुछ भी आगे पीछे ले लें, एवरेज हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हमारा सम सेम आता है तो बिल्कुल डिपेंड्स है, 60 ही आंसर होगा इसका। चलिए गाइज देखते हैं आगे क्वेश्चन है या कोई नहीं। चलिए गाइज आज ये इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में, ये PDF सर ने तैयार करी थी आप लोगों के लिए। चलिए गाइज मेरा तो काम था आपको सॉल्व कराना इन क्वेश्चनों को, तो मैंने आज के लिए ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और अगर मेरे को आगे फ्यूचर्स में कोई और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली सर से कहूँगा वो एक PDF बनाए उन अच्छे क्वेश्चनों से और उनको सेट करें। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले गाइज, कि मेरे वीडियोस पर लाइक कम आते हैं तो मुझे ये लगता है शायद मैंने थोड़ा अच्छा नहीं पढ़ाया। तो गाइज प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं लोगों को, ताकि सर भी कहेंगे हाँ सर आपके चैनल पर काफ़ी लाइक्स आ रहे हैं। बिल्कुल अमन करे, आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से बोलें गाइज वो भी लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ओके तपदास आपको अच्छी लगी, थैंक यू उसके लिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप पता है मेंटलिटी अपनी सही रखिए, बस आपको क्या है क्वेश्चन में फास्ट करने याद आता है गाइज, फास्ट कभी मत करिए एग्जाम में, अगर आप फास्ट से चलेंगे ना तो आपकी गलती होने के चांसेस रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको गलत हो ही जाएंगे अगर आप फास्ट से चलेंगे। आप अपनी मेंटलिटी को चाहें तो एक क्वेश्चन में 10 सेकंड ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेकंड मायने नहीं रखते, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो गाइज वो आपको 1 नंबर दे के जाएगा, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो गाइज वो 1.25 लेके जाएगा गाइज, क्योंकि एक तो आपका उसका सही का जाएगा प्लस 0.25 नेगेटिव भी देके जाएगा। तो इसलिए आप कुछ 10 सेकंड मत देखिए गाइज, आपको इतना टाइम होता है, क्योंकि सभी बच्चे वही होते हैं जो पॉजिटिव वाले आंसर करते हैं, जिनके गलत होते हैं ना ज़्यादातर वो कभी कट ऑफ में नहीं आ पाते, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा सही होते हैं वही। और आजकल तो गाइज नॉर्मलाइजेशन का जमाना है, नॉर्मलाइजेशन में आपको जितने एक्यूरेसी अच्छी होगी उतने आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। तो गाइज इसलिए मेरा मानना है कि आप एक्यूरेसी के साथ करें क्वेश्चंस को, अधिक क्वेश्चन लाएं सर, बिल्कुल अगली बार से आपके सर से बोलेंगे हाँ सर और बड़ी PDF बनाएं। चलिए कोई बात नहीं, आप एक्यूरेसी के साथ आगे करते रहिए और जितने भी अच्छे क्वेश्चन मिले आप उन्हें लगाइए, अगर नहीं आते तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा और अच्छे। चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, चलिए गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।